हेलो एवरीवन, माय सेल्फ किशोर सिंह शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और आज हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं डीसीएम फॉर नीट 2022। और आज का जो पेपर है उसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड कैलोरीमेट्री। तीन इसके जो टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं। अच्छा एक स्कोरिंग पार्ट है नीट का, क्वेश्चन भी यहाँ से बिल्कुल ईजी से आते हैं, और ये वो क्वेश्चन है या वो पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते भी हैं और उनको उनको करने भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का एक छोटा सा पोर्शन है, बहुत शानदार है। उम्मीद है आपका पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, और पेपर भी जो पीछे हो चुके हैं अच्छे हुए होंगे और आगे भी होने वाले अच्छे होंगे। नीट भी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर, तो करें शुरू। आइए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ए सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज ए कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल कैविटी विद इन इट, इट इज इफ इट इज हीटेड वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल। तो एक सिंपल सा यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जिस प्रकार से अपन किसी एक फोटो होती है उसको अपन जूम करते हैं, जैसे कोई फोटो होता है उसको अपन जूम करते हैं, तो जैसे फोटो को जूम करते हैं तो जूम करने पर उसका हर पार्ट एक्सपेंड होता है, फैलता है। ठीक उसी प्रकार का एक्सपेंशन किसी बॉडी के भीतर होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ये मान लो अपने पास एक कोई बॉडी है और इस बॉडी के अंदर ये एक छोटी सी मान लो कि कैविटी है, ये कैविटी है और ये इसका यहाँ पर पूरा पोर्शन आपको दे रखा है। ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक कि कितनी ए डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन मान ले कितना डिस्टेंस मान लो बी डिस्टेंस मान लेते हैं, और इसकी रेडियस है मान लो कितनी है वो कैपिटल, इसको अपन आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लो कितनी है स्मॉल आर मान लेते हैं। तो जैसे अपन इसको गर्म करके हीट दे करके उष्मा दे करके इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी हर डायमेंशन ए आर कैपिटल आर बी सब के सब है वो एक्सपेंड होते हैं, सबका आकार बढ़ता है, सबकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी रेडियस है, इसका सरफेस एरिया है और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम, सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज होता है। क्लियर, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, गोई का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है कि समदाबी उसी प्रक्रम में नाइट्रोजन गैस द्वारा 2 जूल कार्य संपन्न करने के लिए इस केस को स्थानांतरित की जाने वाली उष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो इंग्लिश में, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोजन इन आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस। आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, सो दैट टू परफॉर्म व्हाट वर्क डन बाई गैस इक्वल टू 2 जूल। तो आपसे बोला है कि गैस जो है इसके द्वारा वर्क डन, तो वर्क डन बाई गैस बाई सिस्टम, तो हमारे पास वैल्यू है कितना प्लस का 2 जूल, ये आपको दिया हुआ है। वर्क डन बाई गैस, वर्क डन ऑन गैस देन होता है एक्सपेंशन या कंप्रेशन, और उस कंडीशन में डेल्टा वी आपका नेगेटिव होता, और डेल्टा वी के नेगेटिव होने पे इसका डब्ल्यू कैसा होता, आपका नेगेटिव हो जाता, अभी कैसा है प्लस है। तो अब मेन क्वेश्चन इसका क्या है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो उसमें प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट है, डब्ल्यू आपको दे रखा है, पूछा क्या जा रहा है कि इस गैस को स्थानांतरित की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी आपको अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू फाइंड करनी है, डब्ल्यू हमको दे रखा है, और डेल्टा क्यू आइसोबैरिक प्रोसेस पे कितनी होती है, म्यू इंटू सी वी डेल्टा टी अपॉन डब्ल्यू होता है आपका म्यू आर इंटू डेल्टा टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, सी वी बाई आर। सॉरी यहाँ थोड़ी सी अपन गड़बड़ कर रहे हैं, ये आइसोबैरिक प्रोसेस पे जो वर्क डन होगा वो, और जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू यहाँ पर है म्यू सी पी डेल्टा टी, तो ये हो गया आपका वैल्यू सी पी अपॉन आर। अब सी पी और आर का रेशियो फाइंड करके, वो भी कौन सा गैस है, नाइट्रोजन जो कि डायरेक्ट एटॉमिक गैस है, एन टू गैस है, उसके लिए हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप पहले ही कुछ बातें समझ लें कि जो हमारे पास गैसेज हैं उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एफ, वो हमारे पास है कितना, 3, 5, 6 और 7, 3, 5, 6 और 7, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये जो 3 है वो किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस है, 5 किसका है, डाई एटॉमिक गैस के लिए है, रहा कौन सा 6 और 7। अब 6 और 7 को आप पहले से ध्यान करें, ये पॉली एटॉमिक गैसेज के लिए हैं, जिसमें गैसेज दो तरह की होती हैं, या तो कौन सी है लीनियर, और यह गैस कौन सी आपकी नॉन लीनियर, लीनियर या नॉन लीनियर गैस दो तरह से।
अरेखीय और रेखीय इस तरह के दो गैसें होती हैं, जिसमें से नॉन लीनियर जो है, नॉन लीनियर की बात कर दो या इसको हिंदी में कहते हैं अपन अरेखीय, दोनों से इसके एक सिंपल सी ट्रिक बनती है जिससे इसको अपन कैश कर लेते हैं। अरेखीय का पहला वर्ड कौन सा, ए, ए से बन गया कितना 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और एन में 3 लाइन्स है 1 2 3, तो यहाँ भी इसको 3 के फॉर्म में आप याद कर लीजिएगा। तो ये कैसा 1 2 3 3 3 2 कितना 6 हो गया, तो 3 याद होता है मोनोएटॉमिक, 6 कौन सा डायटॉमिक गैस है, 5 डायटॉमिक गैस है, 6 हो गया आपका कौन सा नॉन लीनियर यानी अरेखीय, तो 7 किसका हो गया रेखीय, जैसे CO2 गैस है उसका उसके लिए बन गया। अब इन सब के फिक्स होने के बाद अब गामा जो होता है बेटे जी वो कितना होता है 1+2/F होता है, और इसको सीधा ही अपन बना सकते हैं, जो इनके वैल्यू होते हैं उसमें आप 2 ऐड करके अपॉन कर दो, यानी यदि मुझे गैसेस का गामा निकालना है तो ये 3 है तो इसमें 2 ऐड करो 5 5/2 हो गया, आप यहाँ 2 ऐड कर दो 7/5 हो गया, आप यहाँ ऐड करो 2 कितना हो गया 8/6 हो गया, यहाँ 2 ऐड कर दो कितना हो गया 9/7, ये तुरंत आपके याद होना चाहिए, जैसे गैस की नेचर मालूम हुई फटाफट आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, ये आप कर सकते हो। अब एक बात और देखो, सी बी इक्वल टू क्या होता है आर एफ इंटू आर बाई टू, एफ इंटू आर बाई टू यह कितना आर अपॉन गामा माइनस का वन, आप जानते हैं सी पी बाई सी वी कितना होता है गामा होता है, तो इससे सी पी का वैल्यू कितना हुआ गामा इंटू आर हो गया, गामा इंटू आर हो गया सी, ये सारे फॉर्मूले बड़े काम के हैं। अब हमको क्या चाहिए सी पी अपॉन आर चाहिए, वैल्यू अपन पुट कर देंगे सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से बात कंप्लीट हो जा रही है, और इसको अब मैं यहाँ से हटा दूँ और अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इतनी बातें आपने समझ ली तो बताइए अब आपकी अप्रोच। अब देखो मैंने इसलिए बताया था कि सारा टॉपिक में काम आएगा चीज़ें, तो CP का वैल्यू कितना हुआ, देखो CP हमारे पास वैल्यू हो गया गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस का वन अपॉन आर, गामा से आर से आर हो गया कैंसिल, तो वैल्यू आपके सामने देखो है कैसी गामा अपॉन गामा माइनस का वन, केस कौन सी है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गामा कितना होगा 7/5 7/5, और ये होगा देखो 7/5 माइनस का वन, तो इसको सॉल्व करें 7/5 अपॉन इसका एलसीएम 5 है तो 7 - 5 2/5, 5 से 5 कैंसिल 7/2 हो गया, इजी है गामा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, गामा मैंने आपको सिखा दिया कैसे इजीली अपन कर सकते हैं। अब देखो डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है, वो है 7/2 इंटू कितना डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे पास कितना 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या प्लस का 7 जूल, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है और इसका आंसर है वो सेकंड अपन कर सकते हैं। ओके तो पूरी बातें आप अच्छे से काम में लें, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली या ये क्वेश्चन जो आपका है डेफिनेटली आप नीट में हेल्प करेगा, बहुत अच्छे से करो इसको। आप बढ़ते आगे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 540 ग्राम ऑफ वाटर, ये अब जैसे आपने अगर क्वेश्चन देखे होंगे क्लास से हमने उसको डिस्कस करवाते हैं, तो जो आइस और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें बहुत बेसिकली क्वेश्चन जानबूझ करके इस प्रकार से डिजाइन करते हैं हम लोग, या जो एग्जामिनर होते हैं उसमें कैसे करते हैं ध्यान दो आप, हमारे पास एक तो है आइस और एक है बेटा जी वाटर, मोस्टली क्वेश्चन आपके इस तरह से आते हैं आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर ऑफ थीटा डब्ल्यू, आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर ऑफ थीटा डब्ल्यू डिग्री सेल्सियस, अब इनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने पे जो इनका थीटा मिक्सर होता है उसका सीधा फॉर्मूला होता है क्या, उसको अपन लिखें तो थीटा डब्ल्यू माइनस 80/2, थीटा डब्ल्यू माइनस 80/2, और इससे हमारे पास वैल्यू कितनी आई थीटा जो डब्ल्यू है अपॉन 2 माइनस का 40, अगर थीटा डब्ल्यू हमारे पास कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है तो 80 अपॉन 2 कितना हो गया 40 - 40 जीरो हो गया, तो ये तो ध्यान कर लो कि अगर पानी का टेम्परेचर कितना हो 80 डिग्री सेल्सियस या उससे छोटा हो, 80 डिग्री होने पे छोटा आ रहा है और उससे छोटा उससे कम हम करेंगे मान लो 70 डिग्री का हो गया तो नेगेटिव में टेम्परेचर आएगा, तो ध्यान कर लो फिक्स। ऐसी कंडीशन में अगर जो वाटर और आइस है अगर उनकी टेम्परेचर जिसमें भी आइस को अपन जीरो फिक्स कर चुके हैं ये फिक्स है, और ये भी एक कंडीशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट तब अप्लाई होती है जैसे मास इक्वल हो,
ये है आइस का मास, ये हमारे पास है वाटर का मास, वाटर का मास दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों के मास इक्वल हो तब ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अगर वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस या उस 80 डिग्री या उससे कम है तो हमेशा आंसर कितना 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, रट लो इसको, फिक्स है। बॉस कहते हैं ना यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को रट के जेब में डाल लो, तो ये हालांकि जेब में डालने वाली बात है नहीं, पूरा आपको समझा रहा हूं, फिर भी आप इसको फिक्स कर लीजिएगा कि अगर दोनों के मास इक्वल हो, आइस जीरो का हो या थीटा डब्ल्यू का हो, और फिर अपन इसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये फिक्स है। तो पानी का ताप अगर हम कैसे कहते हैं, पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो मिक्सर हमेशा 0 डिग्री का आएगा, क्योंकि हम जानते हैं मिश्रण में यहाँ ये लोएस्ट टेम्परेचर है और लोएस्ट से कम पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आ तो गया कैलकुलेशन से पर ये पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका वैल्यू इससे बड़ा है, मान लो अपन 90 कर दें, 90 का वाटर है तो 90/2 कितना हुआ 45, माइनस 45 डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा, डन। तो इसको पैक कर लो और इसका आंसर आपका फिक्स फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम अनुसार, तो ऊष्मा पे हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ निकाय कोश ऊष्मा दी जाती है और वो ऊष्मा यांत्रिक कार्य में और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो यहाँ ये ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस प्रकार की थ्योरी को लेते चलती है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यदि डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू किसको शो कर रहे हैं, निकाय को दी गई ऊष्मा यानी हीट गिवन टू सिस्टम प्लस हीट गिवन टू सिस्टम डेल्टा क्यू कैसा प्लस, फिर है निकाय पर के कार्य वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू कैसा माइनस का नेगेटिव वैल्यू आपको दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा कि इस कंडीशन में फ्लोट जो है उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू फ्लोट डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस कौन सा डेल्टा यू, या इसको अपन कह सकते हैं डेल्टा यू प्लस कौन सा डेल्टा डब्ल्यू। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यहाँ डेल्टा क्यू के फॉर्म में पूछा है, तो इसमें डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास कैसा नेगेटिव हो गया ना, तो ये हो गया डेल्टा यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद तो आपका आंसर है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। बढ़ते आगे, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है गैसों के मुक्त प्रसार में कौन सी बात लागू होती है, तो फ्री एक्सपेंशन जब होता है, मान लो हमारे पास एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, यहाँ प्रेशर कितना जीरो है, यहाँ पे कोई गैस भर रखी है, प्रेशर पी कौन सा आपका नॉन जीरो है, अब मान लो इसका वॉल्यूम कितना मान लो वी है, इसका वॉल्यूम कितना वी है, और यहाँ मान लो कोई अपन ने अभी यहाँ प्रेशर जीरो है, गैस भी नहीं है, तो निर्वात में किसी फ्री स्पेस में, निर्वात में या फ्री स्पेस में गैस का जो एक्सपेंशन उसको मुक्त प्रसार कहते हैं, दाब जीरो है तो गैस के एक्सपेंशन में कोई बर्डन नहीं होता, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पर कोई बर्डन नहीं हो रहा है, गैस फ्री एक्सपेंड हो रही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, तो डेल्टा ई जीरो होता है, डब्ल्यू कितना कार्य जीरो होता है, जब कार्य जीरो होता है बाहर से पूरी पैक्ड है, इसको ना हीट अपन दे रहे ना इस हीट को ले रहे हैं, तो ऐसी प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें क्यू भी जीरो होता है, डब्ल्यू जीरो होता है और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज भी नहीं होता है। ये एक फ्री स्पेस का यानी फ्री एक्सपेंशन का एक सिंपल सा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, याद रखना इसको अच्छे से, तो आंसर इसका कौन सा फर्स्ट ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपन, किसी ऊष्मगतिक निकाय के लिए, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, ये कह रहा कि सारे जो प्रोसेस होते हैं उनमें इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, सही नहीं साहब, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं वहाँ तापमान कैसा कांस्टेंट होता है और उसमें आप जानते हैं जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है वहाँ पर, तो सारे प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होती है, गलत बात है, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी अवस्था फलन बिल्कुल सही है, ये ओनली किसी प्रोसेस के आरंभिक और अंतिम इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एंट्रोपी में परिवर्तन कदापि शून्य नहीं होता, जब ताप में परिवर्तन नहीं होता है उस समय तो होता है, तो ये तो गलत बात है। किसी रुद्रसम प्रक्रम में क्या कार्य सदैव शून्य होता है, गलत बात है, रुद्रसम प्रक्रम में डेल्टा क्यू जीरो होती है, बाकी हम उस पर कार्य कर भी सकते हैं और निकाय भी कार्य कर सकता है, तो ये तो बात गलत है, इसलिए आपका आंसर कौन सा सेकंड है वो चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट है कि इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, कहने का मतलब आपको इस क्वेश्चन में सीपी
by CV का वैल्यू है या उसका जो रेशियो है वो गामा के रूप में दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर P पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे सिंपल सा खेल है, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है डेल्टा यू वो हमेशा क्या होता है म्यू इंटू सी बी डेल्टा टी होता है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो आयतन पे हो, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा यू कितना जीरो आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाला बात है भाई, ये ध्यान रखना अच्छे से। हाँ ठीक है, तो अब यहां ये प्रोसेस जैसे मान लो मैं कह रहा हूं यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में यानी समदाबी प्रक्रिया में, और यही अप्लाई किस पे होगा आइसोमेट्रिक प्रोसेस यानी समायतनिक प्रक्रिया में, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है साहब आ जाइए। आपको गामा में दे रखा है, गामा के टर्म्स में इसको फाइंड करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने बताया था आपको, देखो ये हो गया म्यू, तो सीवी का वैल्यू कितना है आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। अब इसमें जो म्यू इंटू आर डेल्टा टी है उसको आदर्श गैस समीकरण जैसे क्या होता है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है पीवी इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू आर टी, प्रेशर कॉन्स्टेंट और वॉल्यूम बदलेंगे तो पी इंटू डेल्टा वी बराबर कितना हो गया म्यू इंटू आर डेल्टा टी, यानी म्यू इंटू आर डेल्टा टी को अपन पी डेल्टा वी से शिफ्ट कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, तो P डेल्टा V, V1 कैसा V है, 2V कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम, तो इसको अपन ऐसे कर दें P कौन सा V फाइनल कौन सा V इनिशियल, तो ये हो गया 2V माइनस का V, तो PV आ गया ना। तो आप क्या कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में म्यू इंटू डेल्टा RT को PV से रिप्लेस कर दो तो आपके पास आंसर है PV अपॉन गामा माइनस वन, PV अपॉन गामा माइनस वन इसका आंसर चला जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, एक पूर्ण गैस फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू, पर उसका कौन सा प्रोसेस समतापीय, तो समतापीय प्रक्रम में अपन जानते हैं पीवी जैसे कि म्यू आर टी होता है टी हमारे पास कांस्टेंट है, ऐसे में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ये बन गया एक इसका गैस इक्वेशन, और इस कंडीशन में आप देखिएगा डेल्टा पी अपॉन पी, तो यहां से अपन निकालते हैं P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V, V को अपन यहां से ऊपर ले लें माइनस का V हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शनल चेंज कर दें जिसमें पावर को अपन आगे लाते हैं तो डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू कितना माइनस आ गया, तो माइनस का इन डेल्टा V अपॉन V, यही तो बात हुई ना, इसका आंसर है। तो डेल्टा P अपॉन P का वैल्यू समतापीय प्रक्रम के अनुसार कितना है माइनस का डेल्टा V अपॉन V, और इसीलिए इसका आंसर आपका सेकेंड चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस का आयतन 1 लीटर एवं दाब 72 सेंटीमीटर मरकरी स्तंभ के तुल्य है, 1 लीटर है और इतना उसका प्रेशर है, गैस को समतापी रूप से संपीड़ित करके इसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाता है, तो गैस में उत्पन्न प्रतिबल, प्रतिबल होता है क्या है पहली बात तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतिबल होता है दाब में परिवर्तन, तो यहां से हमको मिलेगा पहले अंतिम दाब, और हमें पूछा क्या जा रहा है इसमें उत्पन्न प्रतिबल स्ट्रेस पूछा जा रहा है, और स्ट्रेस हमेशा होता है दाब में सॉरी हाँ प्रेशर का चेंज, स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस तो क्या होता है एकांक क्षेत्रफल पे पर यूनिट एरिया फोर्स होता है सिंपल, पर वो चेंज होने वाला होता है पहले से होता है उसके एक्स्ट्रा हमने कितना इस पर अप्लाई करा है। तो आइए साहब सॉल्व करते हैं, समतापीय प्रक्रम है प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, तो समतापीय प्रक्रम में पी होता है प्रोपोर्शनल 1/V, इसलिए अपन इसको लिखें P डैश बाई P इज इक्वल टू कौन सा V बाई V डैश, और साथ ही साथ अपन निकाल लें इसको P डैश तो कितना हो गया V V डैश बाई V, तो V अपॉन V डैश इनटू हो जाएगा P, तो बोलिए साहब V हमारे पास कितना है इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर यानी 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब, और प्रेशर पहले कितना था 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg अपॉन V डैश कितना है 900, ये लो साहब 900। अब इसको अपन कर दें सॉल्व, तो 0 से 2 0 अपन कैंसिल कर दें, ये हो गया कितना 8 इंटू 10 कितना हुआ 80, तो 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg ये पारे के दाब की वैल्यू है, जो कि दाब नहीं वैसे ये जो मरकरी का एक लेवल है उसके रूप में अपन कह रहे हैं, जैसे दाब तो होता है क्या प्रेशर तो होता है P इक्वल टू रो जी एच, तो हमारे पास ओनली उसमें जो कॉलम उसकी हाइट है वो मिल चुकी है 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम मिल गया, तो
तो पहले कितना था हमारे पास 72 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, अब कितना है 80 है, तो चेंज कितना हुआ 80 माइनस का 72, तो 8 सेंटीमीटर मर्करी का हाइट के तुल्य दाब का जो बदलाव है वो स्ट्रेस के तुल्य है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। किसी आदर्श गैस की समतापी प्रसार में इसकी आंतरिक ऊर्जा, समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा तो कांस्टेंट रहती है, आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। एक कार टायर में दाब वायुमंडल दाब से 4 गुना है तथा ताप 300 केल्विन है, यदि टायर अचानक फट जाता है, यहां एक बात समझ लो, जो आपके प्रोसेस होते हैं समदाबी है जिसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, जितने प्रोसेस हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी आप ले लो। जैसे एक तो हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, इसमें प्रेशर पी कांस्टेंट होता है, साथ में इसकी पहचान क्या है, ये ओपन कंटेनर में, ओपन कंटेनर में खुले पात्र में होने वाले प्रक्रम होते हैं, ये इसकी पहचान हो। दूसरा अपन ले मान लो आइसोमेट्रिक प्रोसेस समायतनिक प्रक्रम, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, और ये है किसमें क्लोज कंटेनर में, किसी बंद पात्र में होने वाला प्रक्रम होता है। थर्ड थिंग अगर आपको देखना हो, आइसोथर्मल प्रोसेस है वो स्लो होते हैं, बहुत ही धीरे होने वाले प्रक्रम होते हैं, और फोर्थ है कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें ये होते हैं बड़े सडन होते हैं, अचानक होते हैं, अनायास होते हैं, है ना, अचानक सोने वाले प्रोसेस। तो ये पहचान होती है, जहां लिखा हो ओपन कंटेनर डेफिनेटली आइसोबैरिक है, क्लोज कंटेनर कौन सा, आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, और जहां लिखा है कि बहुत धीरे संपन्न हो रहे हैं, दीवारें कैसी सुचालक हैं, इस प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं, वो कौन सा, आइसोथर्मल कहलाता है, और ये है अचानक होने वाला। तो यहां जब टायर अचानक फट जाता है तो गैस बाहर निकलती है, तो आप देखते हो वहां टायर जो ट्यूब जहां से फटते हैं वो गर्म हो जाती है, तो वो सिंपल सा एक प्रोसेस है जहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस तो मालूम हो चुका है कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्या करना है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो फॉर्मूले आपके होते हैं बड़े फिक्स होते हैं, ध्यान करो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद करना। एक होता है कौन सा, टीवी कांस्टेंट, एक होता है आपका पीटी इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे एक तो फिक्स कर लो, हमारे पास था पीवी और टी, तो पीवी वीटी और पीटी, पीटी पहले कौन सा पीवी प्रोसेस है, फिर कौन सा पीवी, सॉरी इसको अपन आदर्श गैस के लिए जो रुद्धोष्म प्रक्रम है वो किस प्रकार से अवस्था समीकरण को फॉलो करते हैं उनको मैं यहां बता रहा हूं। तो पहला है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, फिर है टीवी, तो टीवी ये है गामा माइनस वन, जो गामा था उसमें से माइनस एक करके वी पर ही माइनस वन करके आप इसको लिख दो, पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी तरीके वैसे बना सकते हैं, याद करने बता रहा हूं। अब अगर इसको आप यहां से इस पे लेके आ जाओ, है ना, और इसको उल्टा कर दो, वन माइनस का गामा, और जो गामा है उसको सेम टू सेम यहां रख दो गामा, बस वी वी माइनस का वन, उसको इधर ले आओ उल्टा कर दो वन माइनस गामा, और जो गामा था उसको यहां वो लगा दो, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आप देखो कि पहले प्रेशर कि दाब जो है वायुमंडल दाब से 4 गुना है, और जैसे ही ताप उसका इतना है टायर फट गया, फटते एयर कहां पे आ गई, ओपन एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर हो चुका है 1 एटीएम, और आपको ताप पूछा है, तो देखो दाब और ताप पी और टी का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है, इससे हमें क्वेश्चन करना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। और पूछा क्या है, टेम्परेचर, और जिसको पूछा उसकी पावर होनी चाहिए कितनी, 1। तो देखो अपने पास फॉर्मूला था P की पावर 1 माइनस का गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमको क्या करना है कि T की पावर 1 चाहिए, तो जिसकी पावर 1 चाहिए उसमें जितना उसकी पावर उसी से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, जिसकी पावर है उसी से इसको डिवाइड कर दो, बाई गामा, गामा अपॉन गामा कैंसिल, तो क्या 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अब यहाँ T है, इस P को अपन यहाँ से नीचे ले लें, तो T प्रपोर्शनल कौन सा 1 अपॉन ये हो गया P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, समझे, T प्रपोर्शनल 1 अपॉन P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अब इससे अपन लिखेंगे 1 डेज 2 डेज करते हुए, तो ऐसा कर सकते हैं, देखो T डेज बाई T इज इक्वल टू ये हो गया P अपॉन P डेज, और इसकी पावर कर देता हूं कितना, 1 माइनस का गामा अपॉन गामा, 1 माइनस गामा अपॉन गामा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसमें ये 1 1 1 2 2 या डेस के फॉर्म बदल लिया,
उसमें फिर देखो पावर पहले, प्रेशर पहले कितना, देखो वायुमंडल दाब से चार गुना, यहाँ है मान लो 4P0। अगर इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें हम लोग, ये है मान लो 4P0, तो ये हो गया आपका जस्ट P0, P0 से P0 कैंसिल, तो 4 आ गया। अब 4 की जो पावर है, 4 की पावर कितनी, देखो 1 माइनस गामा, गामा हमारे पास है 1.4, तो 1 माइनस का 1.4 तो हो गया माइनस का 0.4 अपॉन गामा, तो 1.4। और टी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, टी हमारे पास है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन, 300 इंटू 4, और उसकी पावर 300 इंटू 4, पावर कितनी 0.4 अपॉन दिस, इसका फोर्थ आंसर आपका सही चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन याद भी कर लीजिएगा और बढ़िया से काम कर लीजिएगा साहब। नेक्स्ट देखो, गैस के दो एक समान नमूनों को समान आयतन तक कंप्रेस कर रहे हैं, समान वॉल्यूम तक कंप्रेस कर रहे हैं, तो हमसे पूछा है कि अगर ये प्रोसेस प्रकार के हों तो कार्य जो है उसका परिमाण किस तरह से आएगा। तो समान आयतन कंप्रेस कर रहे हैं देखो, और जब कंप्रेस करते हैं, जैसे मान लो यहां से अपन ने इसको कंप्रेस किया और दो प्रोसेस तक आप इसको देखें, ये V1 से मान लो V2 तक कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस तो कौन सा है, ये तो है आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आप देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का तो कार्य वर्णन कौन सा, इस एरिया के बराबर है, और जो बड़े वाला ग्राफ है उसके नीचे वाला, तो साफ दिख रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्णन है, हालांकि नेगेटिव तो है, पर मैंने परिमाण भी पूछा यहां पर, तो परिमाण तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली एडियाबेटिक प्रोसेस का कार्य है वो समतापीय से ज्यादा आएगा, दोस्तम रीति में अधिक होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसा होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, समतापी और दोस्तम विकर्ण ढाल, तो डेफिनेटली है रुद्रोष्म का डाल है वो समतापी का कैसा गामा गुना होता है। नेक्स्ट देखो, गैस के दो मोल में रुद्रोष्म परिवर्तन द्वारा गैस के दो मोल है, हमारे पास जो म्यू है वो तो कितना है 2 मोल, रुद्रोष्म परिवर्तन द्वारा गैस की आंतरिक ऊर्जा 2 जूल से कम हो जाती है, डेल्टा जो यू है वो माइनस का कितना 2 जूल है, रुद्रोष्म प्रक्रम है इसका मतलब डेल्टा क्यू कितना है G0। तो गैस पर किया गया कार्य ज्ञात करना है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जो फ्लोट है उसे अपन ज्ञात करते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यहां डेल्टा क्यू तो हो गया 0, तो ऐसी स्थिति में जो डेल्टा डब्ल्यू है वो है कितना माइनस का डेल्टा यू है। इस फॉर्मूले में जो अपन बेसिकली जो अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा जो डब्ल्यू हमको जो मिलता है डायरेक्टली वो होता है गैस द्वारा कार्य, वर्क डन बाय गैस हमको मिलता है, तो वर्क डन बाय गैस अपन यहां से निकालते हैं, तो ध्यान करो ये है माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, तो माइनस इंटू कितना माइनस का 2 कर दूंगा, क्योंकि तो माइनस का 2 था ना, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर दो कितना प्लस का 2 जूल आ गया, प्लस 2 जूल। अब ये जो कार्य है वो कैसा प्लस आया, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस है कि निकाय ने कार्य किया है, पर आपसे पूछा क्या गया डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास प्लस का 2 जूल आ गया, प्लस का मतलब निकाय द्वारा कार्य है, पर हमें पूछा कौन सा निकाय पर कार्य है, तो इसका तो नेगेटिव आपको सिंबल लेना पड़ेगा ना, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना माइनस का 2 जूल। ये कार्य किस रूप में है, गैस पर कार्य के रूप में, निकाय पर कार्य पे रूप में आपको आंसर करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आपका माइनस का 2 चला जाएगा। किसी गैस के रुद्रोष्म प्रसारण में ताप T1 से T2 है तो गैस के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन फिक्स है साहब, आइसोथर्मल प्रोसेस का 0 होता है, बाकी एडियाबेटिक प्रोसेस हो, सम आयतनिक हो, समदाबी हो, सबका प्रोसेस का फॉर्मूला सीधा सीधा है डेल्टा यू बराबर कितना है म्यू इंटू सीवी डेल्टा टी है, जहां पे सीवी का वैल्यू हमको मालूम है आर अपॉन गामा माइनस का 1 इंटू डेल्टा टी है, या म्यू सीवी हमारे पास है एफ आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी, T2 माइनस का T1, तो इस रूप में कैसे लिखोगे भाई मोल, तो यहां पे 1 माना होगा, तो इसलिए एफ आर ये हो गया आपका आर बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस का T1, तो इसका आंसर अपन कौन सा कर देंगे फर्स्ट। ओके, एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रख दिया जाए तो क्या होगा, अगर रेफ्रिजरेटर का जो है उसके गेट को अपन ओपन रख दें तो ओपन रखने पर क्या होगा, सिस्टम जो है उसमें
जो उसमें ऑब्जर्व होती है, जो अपन उस पर बर्डन करते हैं, दोनों कुल मिलाकर के आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से आपने एक पाथ प्रदान कर दिया हीट को, जो कि कमरे के अंदर ही ओपन हो रही है, और लगातार अगर अधिक मात्रा में हीट कमरे में ऐड हो जाएगी तो कमरा गर्म हो जाएगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, कमरा है वो गर्म हो जाएगा, इसका आंसर आपका सेकेंड चला जाएगा। हाँ साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदर्श गैस इंजन एक कारणों के चक्कर में यहां से यहां के टेम्परेचर में कार्य कर रहा है, तो इसमें दो टेम्परेचर, एक कम है, एक ऐसा अधिक ताप है, कम वाला सिंक का ताप कहलाता है, अधिक वाला कौन सा सोर्स का टेम्परेचर कहलाता है, ये हाई टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो आपसे पूछा कि हीट की वो वैल्यू या अमाउंट या पार्ट जो कार्य में परिवर्तित होती है, तो बहुत बेसिक तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये एक तो कारणों चक्कर के लिए क्वेश्चन है, कोई सा भी हो चाहे कोई इशू नहीं है, चाहे कारणों चक्कर का हो चाहे कौन सा हो आपका रेफ्रिजरेटर का, बिल्कुल सिंपल एक तरीका क्वेश्चन करने का है। मान लो हमारे पास ये कोई एक सोर्स है, ये कौन सा हमारे पास एक सिंक है, इसका टेम्परेचर T1 है, कौन सा आपका T2 केल्विन है, ये हाई टेम्परेचर है, कौन सा लो टेम्परेचर है, यहाँ से अपन कुछ हीट है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ में यहाँ पे मान लो कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का एक सिस्टम है पिस्टन के साथ, अब जो अगर ये हीट इंजन है तो हमने कुछ उसमें यहाँ से ली है, उसको मैं कह रहा हूँ Q1, और फिर इसका कुछ पार्ट यांत्रिक आर्य में कन्वर्ट होता है W, और शेष उसमें हम क्या करते हैं Q2 के रूप में है वो सिंक को प्रदान कर देते हैं। आपको यहाँ दे रखे हैं इसके टेम्परेचर 227 प्लस कितना 273, जोड़ो कितना हो गया ये 270, 227 प्लस कितना 273, ये हो चुका है 500 केल्विन, इसमें जोड़े हैं हम कितना 273, तो ये हो गया आपका 400 केल्विन। तो ये तो T1 तो है बेटे जी 500 केल्विन, और ये कितना हो गया हमारे पास 400 केल्विन। उसमें इस प्रकार दे रखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उसमें की वह मात्रा ज्ञात करो जो कार्य में परिवर्तित हो जाती है, तो जो पूछा है और जो गिवन है, सबसे बिल्कुल सिंपल है, जो पूछा है वो W, गिवन कौन सा है Q1, तो अब बस केवल इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लो। W होता है क्या, याद होगा आपको Q1 माइनस का Q2 होता है, अपॉन कितना Q1, जो उसमें यहां से ली गई है उसका कुछ पार्ट कार्य में और कुछ यहां से ट्रांसफर होता है, दोनों का सम कितना ही है, W कितना है Q1 माइनस Q2 आएगा। अब ये जो Q1 है वो टेम्परेचर T1 के समानुपाती होती है और ये T2 के समानुपाती, तो ओनली उसको ताप में बदल लिया करो, तो यहां इसको मैं ऐसे कह सकता हूं T1 माइनस का T2 अपॉन T1 बस, या इसको और इजी करना हो तो 1 माइनस कितना T2 बाई T1 आ गया, तो आपको निकालना W, तो W हमारे पास कितना 1 माइनस का T2 अपॉन T1 इनटू कितना हो जाएगा Q1, तो वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस T2 कितना है साहब 400 बटा 500 कितना 1/5 हो गया, 4/5 इनटू कितना Q1 हमारे पास कितना था 6×10^4 है ना भाई, T2 कितना 400/500, तो ये हो गया 1/5, 1/5 इंटू 6, तो 6 में अगर 5 का भाग देंगे तो 1.2 × 10^4 इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो जो पूछे वो जो दे रखा है उसका वैल्यू लिखो और टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए उसको बदल लो, और Q1 T के प्रोपोर्शनल Q2 ऐसे करके आप करोगे तो आपका आंसर बहुत ईजी आ जाएगा, कहीं कोई इसमें एफिशिएंसी के फॉर्मूले की अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो, दो बेलनाकार पात्र ए और बी हैं, उनकी क्षमता समान है यानी वॉल्यूम इक्वल है, इन्हें एक अचालक पिस्टन से जोड़ दिया गया है, पात्र ए में ASTC पर गैस भरी गई है, बी पात्र में पूर्णतः खाली है, संपूर्ण निकाय ऊष्मा का कुचालक है, यदि पिस्टन को खोल दें तो ये एक क्या है, तो अंतिम दाब कितना, बिल्कुल दाब का तो अलग खेल आएगा, ताप यहाँ ये तो एक तरह से फ्री एक्सपेंशन है, जो पीछे अपने क्वेश्चन लिया था उसी प्रकार का ही है। तो यहाँ मान लो देखो, पहले हमारे पास ये गैस थी, दूसरा अपने पास कोई और एक सिस्टम है जिसको अपन वाल्व से फिक्स कर रखा है, मान लो इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम भी कितना V है, गैस पहले यहाँ भर रखी है, यहाँ गैस है नहीं, यहाँ प्रेशर पहले कितना 0 है, तो पहले जैसे इसमें और तापमान है वो कांस्टेंट रहता है, इसकी गैस इक्वेशन कौन सी P इक्वल टू अपन लगाते हैं कांस्टेंट, तो प्रेशर P समानुपाती कितना 1/V हो गया, तो हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं P′P V/V′, तो वॉल्यूम पहले तो V है पर इसको जैसे गैस फैल जाएगी तो पूरी गैस दो पात्रों में फैल चुकी है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 2V, इसे भी कट गया, तो P′ हमारे पास कितना P/2, प्रेशर आधा हो चुका है, इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें क्वेश्चन तो वही है, यदि पिस्टन को खोल दिया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो समान रहेगी, ताप नियत रहता है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साहब। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है,
एक गैस आयतन V1 से V2 तक एक्सपेंड हो रही है, यदि B समतापी प्रक्रम है, B जो है वो समतापी आइसोबैरिक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको बताना है कि इसमें C और D जो हैं उनमें से कौन सा किसके लिए बनता है। तो देखो अभी पीछे भी क्वेश्चन था हमारे पास कि स्लोप जो हैं वो किस तरह से होते हैं, तो ये निश्चित रूप से ग्राफ है कौन सी, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है डेफिनेटली, और एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप जो होता है, स्लोप जो अपन कहते हैं m, उसकी वैल्यू होती है माइनस का गामा बट p by v। तो जो स्लोप है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो गामा के प्रोपोर्शनल है। याद करो मैंने अभी लिखा था कि गामा जैसे था वो था कितना, गामा था 1 plus 2 by f। f जितना ज्यादा होगा गामा उतना ही कम होगा, और गामा जितना कम है स्लोप उतना ही कम है। यहां इन दोनों में से इसका स्लोप कम है, देखो ये कम स्लोप है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो जिसका स्लोप कम है उसके लिए, जिसका स्लोप कम है उसका गामा कम है, उसका f ज्यादा है, और जिसका f ज्यादा है वो कौन सी केस है, अपन ने भी पढ़ा था, डिस्कस किया था 3, 5, 6 और 7। ये कैसा, इसका f ज्यादा है कौन सी पॉली एटोमिक गैस है, दोनों के लिए ये मोनो एटोमिक गैस है, ये कौन सा डाई एटोमिक गैस है। तो f जितना ज्यादा होता है उस गैस का प्रकार कौन सा है, पॉली एटोमिक गैस है, और जिसका m, जिसका f जितना कम से कम होता है उस गैस के लिए आप चेक कर लीजिएगा, जिसका गामा कम से कम है। तो आप यहां चेक करो साहब कि ये कह रहा कि a सभी गैसों के लिए है, हाँ जो जो समदाबी प्रक्रम होते हैं वो गैस की उनका स्लोप गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, और जो समतापी प्रक्रम है उनका भी स्लोप है वो गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, परंतु जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उनका देखो गामा पर डिपेंड कर रहा है, और गामा तो गैस की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका यहां बनने जा रहा है कि ए और बी सभी प्रक्रमों के लिए जो जैसा प्रक्रम है उसके लिए बराबर है, चाहे गैस कोई सी भी है आइसोबैरिक का स्लोप सेम आएगा, गैस कोई सी भी है आइसोथर्मल का स्लोप सेम आएगा, पर एडियाबेटिक का सेम नहीं आएगा, और किसका ज्यादा किसका कम है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखो अब यहां गैसें कौन सी है, द्विपरमाणिक और एक परमाणु, तो एक परमाणु को अपन फिक्स कर लेते हैं, वो चेक करते हैं देखो कैसे आएगा, दो गैस दे रखी है उनको अपन चेक कर लेते हैं, एक परमाणु गैस है उसका एफ कैसा कम है, एफ कम है, जिसका एफ कम है उसका गामा ज्यादा, उसका स्लोप भी ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा किसका आया, डी का, तो डेफिनेटली डी एक परमाणु गैस के लिए है, बिल्कुल हो सकता है, तो सी उल्टा भी होगा, तो बिल्कुल सारे के सारे इसमें सभी सही हैं, तो आंसर आपका 4 तला जाएगा। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस को इसके आधे आयतन तक समतापीय प्रक्रम और उर्ध्वसम प्रक्रम द्वारा संपीड़ित करते हैं तो अंतिम दाब के रूप में पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी था, और भी इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो देखो इस तरह से हैं ग्राफ, किसमें, पी और वी में, ये संपीड़ित करा अपने आइसोथर्मल प्रोसेस से, और एक इससे एडियाबेटिक प्रोसेस से, तो जो दाब है इसके अंतिम दाब रुदोसम प्रक्रम में दाब कैसा ज्यादा है, वो समतापी में दाब कम होता है, रुदोसम प्रक्रम में अंतिम दाब समतापी प्रक्रम में अंतिम दाब से ज्यादा होता है, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट, एक कार्नो इंजन के सिंक का ताप इतना दक्ष था 25% है, तो स्रोत का ताप कितना होगा, तो इसकी एफिशिएंसी अपन जानते हैं वो है कितनी, 1 minus T2 by T1, एफिशिएंसी कितनी 25% है, और आपसे पूछा क्या है स्रोत का ताप T1 का मान पूछा है, तो वैल्यू पुट करें इसकी अपन, तो एफिशिएंसी हमारे पास 25% यानी 1/4 = 1 minus। तो देखिए सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T2 कितना हो गया 300 केल्विन, तो T1 का मान आपको फाइंड करना है, इसको उधर ले आए तो 300 / T1 = तो ये हो गया 1/4, इसको उधर लाएं प्लस हो गया, इसको उधर ले गए तो 1 minus 1/4 = 3/4, ये हो गया 3/4, तो इसको उड़ा दे कितना हो गया 100, तो T1 कितना 4 × 100, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 400 केल्विन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, नियत दाब पर द्विपरमाणु गैस को दी गई उष्मा जो है उसमें आपको एक अनुपात सा निकालना है,
तो ये है कि डेल्टा क्यू और डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू इनका रेशियो कितना आएगा समदाबी प्रक्रम में। तो डेल्टा क्यू तो होता है बच्चों म्यू इंटू सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू होता है म्यू सीवी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू होता है म्यू आर इंटू डेल्टा टी। तो इसमें म्यू म्यू डेल्टा टी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया सीपी अनुपात सीवी अनुपात आर। इनकी वैल्यू अपन चेक कर लें, रेशियो निकाल लें। तो ये आर है, इसको अपन कहते हैं कितना, देखो गामा के रूप में निकाल लूं तो ये होता है गामा आर अपॉन गामा माइनस का वन, ये हो गया आपका आर अपॉन गामा माइनस वन, और ये हो गया आर। आर सारे कैंसिल हो गए तो वैल्यू बची हमारे पास ये। अब गैस कौन सी है, द्विपरमाणु गैस, इसलिए इसका एफ कितना हो गया पांच। एफ पांच होते गामा कितना, मैंने कहा था दो जोड़ के आप उसमें भाग दे दो, तो सात बटा पांच हो गया सेवन बाई फाइव। तो अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, आर से आर को हमने उड़ा दिया है, तो गामा कितना, देखो गामा हमारे पास है सात बटा पांच अपॉन सात बटा पांच माइनस का एक, सात बटा पांच माइनस का एक, तो दो बटा पांच, दो बटा पांच अनुपात आर अपॉन, तो वन अपॉन गामा माइनस वन। तो गामा माइनस वन हमारे पास वैल्यू कितनी है, देखो गामा माइनस वन अगर आप इसमें चेक करते हो तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, या अगर इसको अपन गामा माइनस वन से पूरे को मल्टीप्लाई करते तो कट जाता और वहां गामा माइनस वन आ जाता। चलो अब तो गणना कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो गामा माइनस वन कितना है, दो बटा पांच, दो बटा पांच अनुपात, ये हो गया वन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वन बाई फाइव से वन बाई फाइव कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास सात बटा दो अनुपात पांच बटा दो अनुपात एक। इस पूरे को हम दो से गुणा कर दें तो दो से गुणा सात अनुपात पांच अनुपात दो, सात पांच और दो, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो सारी कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आप कर रहे होंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वन मोल गैस है, उसको अपन एडियाबेटिक प्रोसेस यानी, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ए वन मोल ऑफ एन आइडल गैस। हाँ अभी वापस शुरू कर रहा हूं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 क्वेश्चन, कह रहा है ए वन मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबेटिकली कांस्टेंट प्रेशर पे इसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रोसेस में ले रहे हैं, एंड दाब कांस्टेंट है और इस इक्वेशन को फॉलो किया जा रहा है। तो देखो आप क्वेश्चन में ये बोला है कि टी प्रपोर्शनल टू वन बाई रूट वी, तो वन बाई टू कर दो इसको, इसको इधर ले आऊं इसके पास, तो टी की पावर कितना वी और वन बाई टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। और जो रुदोषण प्रक्रम की अवस्था समीकरण हम लोगों ने पढ़ी थी, याद करो मैंने कहा था पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर था टी वी गामा माइनस वन की पावर एक कॉन्स्टेंट, फिर था हमारे पास पी टी, तो इसको बनका था वन माइनस गामा और यहाँ पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमको तो ये यूज करनी है, तो टी वी टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंपेयर कर लो। तो इससे कंपेयर करने पे गामा माइनस वन इज इक्वल टू कितना, वन बाई टू आ गया, तो गामा हमारे पास कितना है, इसको ऐड कर दो वन प्लस दिस, तो थ्री बाई टू आ गया। तो आपको पूछा क्या है रुदोषण नियतांक का मान, तो कितना वन बाई फाइव, वन पॉइंट फाइव इसका आंसर बन जाएगा। एक अचालक पात्र में एक प्रवण गैस भरी है जिसका आणविक द्रव्यमान कितना स्मॉल है, पात्र वी नोट से गतिशील है, अचानक रुक जाए तो गैस के ताप में कितना परिवर्तन होगा। तो ये पूछा अचानक रुक जाएगा तो सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी तो ताप में कितना परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बटा दो जो एम इंटू वी नोट का स्क्वायर, एक मोल होने म्यू मोल के लिए इतनी एनर्जी हो जाएगी, और इसको बदल लेंगे कितना म्यू इंटू सी वी डेल्टा टी। ठीक है, और हमको इसमें आंसर देना है आर के रूप में, तो गैस कौन सी है एक परमाणु, तो सी वी का मान हम बदल लेते हैं, तो म्यू से म्यू उड़ा देता हूं, तो यह है एक बटा दो एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी, यह है आर अपॉन या एफ इंटू आर बाई टू करता हूं इंटू डेल्टा टी, तो वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल हो गया, एफ मोनो एटमिक गैस का कितना है थ्री, तो डेल्टा टी का मान कितना एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन कितना थ्री आर
एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 आर इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट पे आते, आदर्श गैस का आरंभिक ताप टी है, आयतन वी है, इसका आयतन डेल्टा वी से बढ़ाने पे ताप इतना बढ़ जाता है तो दाब नियत है उस कंडीशन में गामा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो ये जो डेल्टा लिखा है डेल्टा वी अपॉन, ये एक तरह से आयतन प्रसार गुणांक है। किसको बता रहा है ये? आयतन प्रसार गुणांक को बता रहा है। तो देखो आयतन प्रसार गुणांक यहां पे होगा कितना, उसको अपन सॉल्व करें। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर के कांस्टेंट होने पर v प्रोपोर्शनल टू t होता है, ठीक है जी। जब ऐसा है तो इसका अपन लिखें भिन्नात्मक परिवर्तन, तो क्या लिखा जाएगा कि डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा t बाई टी, और इससे अपन निकालते हैं इसका डेल्टा, सॉरी इसमें अल्फा के रूप में अपन बस एक क्लास में पढ़ते हैं तो इसको डेल्टा दे रखा है, कोई इशू नहीं है। तो ये है देखो आपको निकालना है क्या डेल्टा, वो है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो इसे सॉल्व करने पे आप चेक करो कि डेल्टा v अपॉन v और डेल्टा t क्या बच गया, 1 बाई t जो कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ताप और ग्राफ में इसका चेक करो तो जब डेल्टा इजिकल टू 1/T है तो ये तो क्या बन गया, एक हाइपरबोलिक रिलेशन बन गया, एक अति प्रबल्य, वो भी कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आयताकार अति प्रबल्य, जहां ताप बढ़ाने से डेल्टा घटेगा। इसका आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही सही चला जाएगा। अगले में आते हैं, एक गैस है उसको अपन ए से बी स्टेट पे ले जा रहे हैं, तो ए से बी दो पाथ हैं, ए से बी है आपका फर्स्ट पाथ और कौन सा सेकंड पाथ, ठीक है कोई इश्यू नहीं है। अब दोनों पाथ से इस, अब इस गैस में इसकी इनिशियल स्टेज और फाइनली बराबर है तो डेफिनेटली ए से बी जाने में आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन तो बराबर आएगा, तो ये तो थर्ड इसका आंसर हो गया। तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन पथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल आरंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, एक बॉडी है उसको अपन हीट अपन नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हीट दे ही नहीं रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्ध संप्रग्रम, इसकी आंतरिक ऊर्जा वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा साहब। यदि हम ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं तो, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर दें, आंतरिक ऊर्जा किसका फलन, ताप का फलन होता है, तो ताप में वृद्धि होगी, हटाओ। अगला क्वेश्चन देखो, किसी आइडल गैस को अवस्था ए से बी तक, देखो ए से बी तक ये इनिशियल है, ये कौन सा फाइनल, इस पद से अपन ला रहे हैं, इस पद से ला रहे हैं, इस पद से ला रहे हैं, इस पद से ला रहे हैं, पद सारे डिफरेंट डिफरेंट है पर स्टेज आपकी इनिशियल से फाइनली एक ही कंडीशन दे रखी है। तो अब इसमें साफ साफ चार पथों से ले जाया जा रहा है तो निकाय को दी उष्मा न्यूनतम किस में है वो हमको बतानी है। तो देखो हम जानते हैं कि डेल्टा जो क्यू होता है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ए से बी तक सारे पद सेम ही है तो डेल्टा यू सबके लिए बराबर है, सबके लिए सेम है, जो भी है वो सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा क्यू डिपेंड किस पे करेगा, डेल्टा डब्ल्यू पे, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पीवी ग्राफ का एरिया, जितना एरिया ज्यादा होगा उसका कार्य उतना ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा है उसी का उष्मा भी वैल्यू ज्यादा के रूप में मानेगा। तो देखो यहां पर ए से बी वाला प्रोसेस कौन सा, ए से सी, जो समदाबी प्रक्रम है, ए सी बी जो है ए सी बी पाथ, पथ ए सी बी के अनुदेश सबसे ज्यादा आ जाएगा क्योंकि उसी दौरान कार्य जो है ना, यहां जो इस ए से सी अपन जाएंगे तो कार्य कौन सा, इस एरिया के बराबर, आप यहां से यहां गए हो तो इस एरिया के बराबर, आप यहां से यहां गए हो तो इस एरिया के बराबर, और यहां से यहां तो ओनली इसके बराबर है, तो कार्य सबसे ज्यादा किस में हुआ, ए सी बी पाथ में, तो वो इसका आंसर बन जाएगा। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श गैस है गुब्बारे में, एक आदर्श गैसों का मिश्रण है गुब्बारे में भरा हुआ है, गुब्बारा है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो जब गुब्बारे का एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो गुब्बारे के अंदर जो भरी गैस है उसका टेम्परेचर है वो किस तरह चेंज होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो आपसे इसमें रिक्वायरमेंट है तापमान की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो आपको इस पूरी इक्वेशन को टी और वी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दे रखा कौन सा, पी और वी, तो देखो पी वी की पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार यदि हम लोग देखें तो आदर्श गैस से अपन P को यहां से हटाते हैं तो P प्रोपोर्शनल होता है V बाई टी,
सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटाता हूँ एक बार। आदर्श गैस समीकरण को हमने हल्के में ले लिया भाई, तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर टी। म्यू आर आर तो कॉन्स्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं यहां पे पी को लिखूं तो कैसा, पी समानुपाती टी अपॉन वी आ गया। तो इसको हटा दूं, ये है बेटा जी टी अपॉन वी, और वी वन बाय थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसी स्थिति में अगर वी ये वन बाय थ्री है, वन है, तो इसको टी अपॉन कितना, वी की पावर दो बटा तीन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर सकता हूं। और ऐसे में ये बन गया टी प्रोपोर्शनल कितना, वी की पावर टू बाई थ्री। अब देखिए पावर प्लस में है, एक से बड़ा छोटे का मतलब नहीं है, पावर प्लस में है ये, तो अपन इसको लिखेंगे ना सर टी डेस अपॉन टी, टी डेस अपॉन टी इज इक्वल टू कितना, वी डेस बाई वी, और इसकी पावर कितना, टू बाई थ्री है। अब ये नंबर कैसे एक से बड़ा है, यहां पर इस वी को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली इस पूरे का मान एक से बड़ा है, और एक से बड़े की पावर, एक से बड़े की पावर आपको दे रखी है, और ये पावर है, इस पावर के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करते हो तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा, ताप है वो बढ़ जाएगा, है ना, ये वैल्यू एक से बड़ा ही आएगा, ये बड़ी वैल्यू, आप तो इसमें वी डेस बाई वी बड़ी वैल्यू का पावर, पावर तो सेम ही है पर यहां इसका रेशियो बढ़ गया, पावर सेम है, इसको पावर को अपन स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। अगर पावर जो होती है उसमें पावर कम से अपन अधिक करते तो डेफिनेटली मान घट जाता, पर पावर तो सेम है। तो जिस पे पावर थी, मान लो एक तो मैं कहता हूं कि टू की पावर टू बाई सॉरी 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 एक तो मैं कहता हूं टू की पावर दो बटा तीन, एक मैं कहता हूं फोर की पावर दो बटा तीन, तो जो बाद की जिसकी जिसकी अपन पावर ले रहे हैं वो तो वैल्यू बढ़ रहा ना, तो अधिक वैल्यू का पावर हम ले रहे हैं, ध्यान करना पावर यहां पे देखो एक से छोटी है, मानता हूं इस बात को, परंतु वी डेस बाई वी का मान, मान लो पहले ये कम था, अब मान बढ़ रहा है, जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना ही इस वैल्यू को बढ़ाया जाएगा ना, तो पहले पावर दो बटा तीन कम वैल्यू की थी, फिर पावर है वो ज्यादा की है, इसलिए इसका मान बढ़ेगा, और बड़ी वैल्यू से गुणा करेंगे टी को तो ताप है उसका मान बढ़ जाएगा, तो ताप है यहां पर बढ़ जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, अभी आप खुद ही कर लेंगे साहब, तापमान दे रखे हैं साहब, और आपको गुणता सॉरी 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 ये तो किसका है, रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, उसमें पर निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, और बीटा होता है क्यू टू बाई डब्ल्यू, और क्यू टू बाई डब्ल्यू डब्ल्यू होता है कितना, वही क्यू वन माइनस का क्यू टू, ये टी टू अपॉन कितना, टी वन माइनस का टी टू, तो आप दे रखिए ये है 250 केल्विन, ये हो गया कितना आपका 273, जोड़ो इसमें 273, 7 और 3 10, 7 और 15, 350, तो 250 और 350 के बीच कार्य कर रहे हैं, तो T2 हमारे पास कितना है, कम ताप वाला, T2 कम ताप पे होता है 250 केल्विन, और ये तापों का अंतर 350 में 250 घटा दे तो कितना हुआ 100, तो 2.5, ये इसका आंसर बन जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी द्विपरमाणु गैस को रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित करके इसके आयतन को आरंभिक का 1/32 कर दें तो संपीड़न के बाद इसका ताप कितना हो जाएगा। एडिबिटी प्रोसेस से इसके वॉल्यूम को पहले का 1/32 कर दें तो आपसे पूछा ताप कितना हो जाएगा। गैस कौन सी है, डाइएटोमिक, डाइएटोमिक गैस जो है उसका एफ कितना 5, गामा इसका कितना 7/5, गामा 7/5, ओके, तो करें शुरू। आइए, आयतन और ताप का परिवर्तन देखो, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो था टी वी की पावर 1 माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस 1 बराबर कॉन्स्टेंट, गामा हमारे पास 7/5, 7/5 माइनस का 1 तो कितना हुआ 2/5, तो ये लो साहब टी वी की पावर कितना 2/5 बराबर कांस्टेंट, तो टी समानुपाती आ गया 1/V की पावर 2/5, तो टी डेस अपॉन टी के रूप में लिख दें इसको, टी डेस अपॉन टी इज इक्वल टू वी बाई वी डैश, और इसकी पावर कितनी है 2/5, तो पहले वॉल्यूम वी था, वी बाई 32, 32 ऊपर चला गया तो 32 की पावर कितनी है 2/5, क्लियर, 32 होता है कितना 2 की पावर 5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 कितना 4 आ गया, यानी 32 को अपन 2 की पावर 5 तो लिखते हैं ना, तो इसको अगर मैं यहां 2 की पावर 5 कर दूं, 5 से 5 कटा, 2 की पावर 2 4 आ गया, तो टी डेस कितना 4t बन गया, 4t हमारे पास है 300 केल्विन, तो 4 गुना कितना 1200 केल्विन, और 1200 में से अपन घटाते हैं 273, तो डेफिनेटली इसका आंसर कितना 927 डिग्री सेल्सियस
आ जाएगा। यदि होता केल्विन के अंदर तो ताप हमारा आता कितना 1200 केल्विन। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान के गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल वेग का मान ताप पे किस प्रकार डिपेंड करता है? तो अपन जानते हैं जो वी आर एम एस होता है या जो वी एम पी होता है या कौन सा वी जो अपन पढ़ते हैं इसमें कौन सा देखो, ये होता है आपका एम पी आर एम एस और एक होता है औसत एवरेज, औसत हिंदी बोलते हैं उसको औसत। एक है वी कौन सा साउंड, चार ही वेग आते हैं उनके क्वेश्चन आपके फिक्स बनते हैं। तो आर एम एस में कितने आर एम एस थ्री लेटर्स हैं, थ्री, एम पी में एम और पी दो लेटर्स हैं, औसत में कितना देखो औसत, औसत में ए से हो गया ए है ये, ए से बन गया आठ, आठ और ऊपर दो मात्रा लग रही है उसको नीचे लाओ तो क्या एट अपॉन पाई, और साउंड में कौन सा गामा वगैरह अपन यूज करते हैं गामा। तो इससे फॉर्मूले बनते हैं ना, तो बनते देखो रूट ऑफ रूट ऑफ रूट ऑफ और रूट ऑफ, तो ये कितना है 3 kT/m एक अणु के लिए, मोल का हो 3 RT/M अणु भार हो जाएगा, यहां दो है तो कितना 2 kT/m, यहां देखो कितना हो गया 8/π वही kT/m और यहां कितना गामा इंटू kT/m, ये इसकी फॉर्मूले। तो सब में देखो आप 1/ जो रूट में द्रव्यमान तो आ रहा है ना गैस कणों का द्रव्यमान, तो किस पे डिपेंड कर रहा है 1/√m इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सिंपल सा PM/KT होता है, गैस का घनत्व अपन जानते हैं यार, इतना तो थोड़ा बहुत तो आप कर लेते हैं ना, बहादुर बचे हो। बंद पात्र में भरी गैस, बंद पात्र है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो P=μRT, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो P समानुपाती कितना T आ गया। अगर P समानुपाती T है तो अपन क्या लिखें इसको, P समानुपाती अगर T है तो पुनः देखो एक बार, इसमें बंद पात्र वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो ये हो गया पी समानुपाती टी, इसको लेते भिन्नात्मक परिवर्तन के रूप में तो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू कितना हुआ डेल्टा टी अपॉन टी। यदि इसको लिखें अपन परसेंटेज चेंज में तो इसको 100 से गुणा कर देता हूँ और इसको भी मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब क्या लिखा है कि ताप को हमने 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, अब ताप का परिवर्तन यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस का, पर ताप स्केल अपन लें कौन सी केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल, ताप का परिवर्तन दोनों में डेल्टा टी केल्विन स्केल का है परंतु आप जानते हैं सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल दोनों में ताप का परिवर्तन कितना बराबर है, तो 2 केल्विन लिख रहा हूं क्यों, डेल्टा टी किसमें है, किसमें है केल्विन स्केल के अंदर है 2 केल्विन। फिर कहा कि ऐसा करने पर दाब है 0.4% बढ़ गया, तो ये प्रेशर कितना है पूरा 0.4 के बराबर है, बराबर यह है 2/T/100। इससे आपको पूछा कि आरंभिक ताप कितना है, तो इससे हम लोग ज्ञात करते हैं टी इनिशियल, तो बताइए साहब कितना है 0.4/200। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट को हटा दूं तो कितना 1/10 आ गया, तो फिर 4/ कितना है देखो 4/ हो गया आपके पास, एक मिनट कुछ गड़बड़ करी, आपको टी निकालना है तो ये सॉरी टी इक्वल टू है 200/0.4 200/0.4, इसको 2.5 से गुणा कर दूं, 2.5 से भाग दूं ये बन गया 10 से उड़ा दूं इसको, 2.5 × 20 कितना हो गया 500। अब ये 500 केल्विन के अंदर है ध्यान करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में टी जो अपने पास है केल्विन का, ताप का परिवर्तन तो दोनों में सेम है पर टी किसका है डेफिनेटली केल्विन का है ध्यान कर लो, तो 500 केल्विन इसका आंसर है वो बन जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूलचाल पृथ्वी पर प्लैन वेग के बराबर होने के लिए गैस का ताप कितना है, तो इसके लिए आपको मालूम है कि एनर्जी जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो एनर्जी जो है उसके बराबर होने के लिए वर्गमाध्य मूलचाल पृथ्वी पर प्लैन वेग के बराबर होने के लिए यानी वी जो ई है वो किसके बराबर हो जाए VRMS के बराबर, और VRMS कितना होता है 3 kT/m का रूट, इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका V² = 3 kT/m। स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान हुआ करता है, आपको T निकालना है तो T की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये होगा m into V² upon 3 k। m यहां पर एक अणु का द्रव्यमान, गैस कौन सी हाइड्रोजन गैस S2, इसका अणु भार कितना है 2, तो एक का मास कितना आएगा 2 amu,
तो 2 इंटू कितना 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और इंटू v का स्क्वायर, v है प्लैन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर 10 की पावर कितना 3 किलोमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे अपन, इसका स्क्वायर तो 11.2 का स्क्वायर होता है 125 गुणा 10 की पावर कितना 6, तो 125 इंटू कितना 10 की पावर 6 अपॉन ये 3 के होता है आपका 1.38 इंटू कितना 10 की पावर माइनस का 23, और इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो पूरा ये 10,000 के आसपास ताप आएगा, और ये आपको याद रखना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। हाँ साहब, अगला क्वेश्चन, यहाँ 5 अणु दे रखे हैं अपने को और इनकी पूछी है वर्ग माध्य मूलचाल कितनी है, तो वर्ग माध्य मूलचाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 अणु है तो VRMS का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता क्या है V1² + V2² + कौन सा V3² + V4² + कौन सा V5² का औसत, यानी n, यानी 5 कर दो इसको और इन सब वैल्यू पुट करके 5 से भाग दे करके उसका रूट कर दो और आंसर इसका आपका आ जाएगा। कर लोगे, करें चेक करें, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस कितना 9 प्लस कितना हो गया ये 16 हो गया, फिर कितना 25 प्लस कितना 36 अपॉन कितना 5 का रूट, 36 प्लस 4 कितना हुआ 40, ये था 25, 16 9 25 50, तो 50 प्लस 40 90 बटा 5 का रूट, 90/5 का रूट, तो इसको सॉल्व कर लें यार, इवन पुट चेक कर लूं मैं, ये 25 25 50 50 और 40 90 90/5 का रूट, तो ये इसको अगर 2 से गुणा 2 से भाग दूं 180/10 उड़ाओ 18 का रूट, तो 18 का 3 3 9 4 4 16 4 से कुछ बड़ा तो 4.24 इसका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक पात्र है कोई कंटेनर जिसमें 6 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, उसका टेम्परेचर है कितना 400 केल्विन और दाब पी है, ऑक्सीजन के लीकेज होने के लिए एक होल दे रखा है और पूछा कितनी गैस इससे बाहर निकले जिससे कि अंतिम दाब पी बटा 2 और ताप कितना 300 केल्विन रह जाए, गैस कितनी से बाहर निकले, तो अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां क्वेश्चन जो है उसके देखो बात क्या है, मान लो कोई कंटेनर अपने पास आई है, इसमें कोई लीकेज है, उससे गैस बाहर निकली है, तो जो गैस की समीकरण हम लोग लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू जो म्यू आर टी हम लोग लिखते हैं, या पीवी जो इक्वल टू स्मॉल एम बाई कितना अणुभार इंटू आर टी हम लोग लिखते हैं, इसमें एक गैस के लिए जो गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं वो सिर्फ पात्र में भरी गैस के लिए लागू हो रहा है, जो गैस यहाँ से बाहर निकल चुकी है उसके लागू नहीं हो रही, मान लो कुछ गैस बाहर निकल गई तो अमाउंट ऑफ गैस तो बाहर निकल गया परंतु जिस पात्र में भरी गई है शेष गैस उसका वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही है, तो वॉल्यूम हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान के चलना है, वॉल्यूम हमें कॉन्स्टेंट मान के चलना है, गैस की मात्रा कितनी बाहर निकल गई वो सारी डिपेंड करेगी, तो वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है तो आप बताइएगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, अणुभार भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास है पी समानुपाती कितना एम इंटू टी, और इसे एम अपन निकालते हैं तो पी बाई टी पर डिपेंड करेगा, करें चेक, तो देखो एम एम डेस बाई एम इज इक्वल टू ये हो गया आपका पी समानुपाती है ना, तो पी डेस अपॉन पी, और ताप इनवर्सली है तो टी अपॉन टी डेस, ऐसे लिखना आना चाहिए, बहुत ईजी होता काम, अब P डेस कितना दाब P बटा 2 कर दिया तो P बाई 2 अपॉन P तो 1/2 इंटू T बाई टी, तो ताप पहले कितना था 400 केल्विन, अब कितना है 300 केल्विन, तो T था पहले वाला ताप कितना है तो 400 केल्विन, अब कितना हो चुका है 300 केल्विन, तो ये हो गया आपके पास M डेस इज इक्वल टू 4/6 या इसको 2 से उड़ा दूं तो 2/3 एम, 2/3 एम, और एम कितना था 6, तो 2/3 गुणा 6 तो ये हो गया आपका 4, तो पहले कितनी गैस थी इसमें 4 ग्राम, अब गैस शेष कितनी रह गई, पहले कितनी 6 ग्राम थी, अब शेष कितनी है 4, तो लीकेज कितना हो गया 2 ग्राम, पहले 6 था अब बचा कितना 4, तो लीकेज जो बाहर निकल चुकी है वो कितनी है वो 2 ग्राम हो जाएगी,
क्लियर, तो इसका आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। अगला, एक गैस टेम्परेचर है, थर्मोमीटर है, उसमें आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है द गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड। तो गैस का जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वो ज्यादा होता है किसी कंपैरिजन में लिक्विड से, इसलिए इसको अपन प्रिफर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक तांबर गेंद को गर्म करते हैं तो अधिकतम परसेंटेज जो इंक्रीमेंट है वो किस में होता है, व्यास में है, क्षेत्रफल में है, या आयतन में है। तो जो एक्सपेंशन होता है वो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू हम लेते हैं कितना, गामा इंटू डेल्टा, सॉरी अल्फा इंटू डेल्टा टी। एरिया है वो वहाँ बीटा आएगा, आयतन में कैसा होता है गामा, और अपन जानते हैं जो डेल्टा वी अप डेल्टा ए अपॉन ए कितना होता है, वो है आपका बीटा इंटू डेल्टा टी। बीटा जो है वो कितना है, टू अल्फा डेल्टा टी, जस्ट डबल हो गया। अगर डेल्टा वी अपॉन वी अपन चेक करते हैं तो कितना, गामा इंटू डेल्टा टी होता है, गामा कितना है, थ्री अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो सबसे ज़्यादा किसमें वॉल्यूम में आता है चेंज, तो इसका आंसर आपका कौन सा, वॉल्यूम वाला यानी थर्ड आ जाएगा, डेंसिटी तो घटेगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे बोला है ग्राफ दे रखा है अपने को एक सिंपल सा पी और वी का, और प्रोसेस है वो ये कह रहा कि प्रक्रम जो प्रोसेस है, ए बी में निकाय को दी गई उष्मा 600 कैलोरी, ए बी में उष्मा दे रहे हैं कितनी 600, बी सी में दे रहे हैं कितनी 200 कैलोरी। तो ए बी में और बी सी, ए बी प्रोसेस कौन सा है, आइसोमेट्रिक, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, कार्य जीरो है। बी सी कौन सा है प्रोसेस, कौन सा, समदाबी आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है ए बी सी, ये आपको दे दिया। आपसे पूछा प्रक्रम ए सी में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, तो ए से ए बी सी पाथ जो है उस पर लगा दें, जो उष्मा का परिवर्तन देखें तो, और आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन सिंपल ले दो यहाँ कॉन्सेप्ट कि ए से सी अपन जा रहे इस पाथ पे और इस पाथ पे, तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन कैसा हमेशा बराबर आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा यू ए से सी तक का, ए से सी इस पाथ को अपन लेते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा यू ए बी प्लस कौन सा, डेल्टा यू बी सी, बस ये सबसे बड़ा हथियार है इसका। आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन पथ पे डिपेंड नहीं करता है, ए बी सी पाथ हो चाहे कौन सा ए सी पाथ, दोनों बराबर आएंगे। ए सी पाथ का लिखता हूं तो डायरेक्ट कर दूं ये, या ए से बी और बी से सी लिखूं तो ऐसे कर सकता हूं। अब कितना काम है इसमें देखो कि डेल्टा आपको ए सी प्रक्रम ए सी में निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ही आपको फाइंड करना है, तो आपको चाहिए ये वाला, और ये है कितना डेल्टा क्यू माइनस का कितना डेल्टा डब्ल्यू, कौन सा ए बी पथ के लिए, और प्लस ये हो गया आपका डेल्टा क्यू माइनस कौन सा डेल्टा डब्ल्यू, किसके लिए, बी सी पाथ के लिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप देखो कि ए बी प्रोसेस जो है वो समायतनिक प्रोसेस है, इसका उष्मा का मान कितना, जीरो आ गया, तो डेल्टा क्यू कितना, ये था उष्मा का मान 600 कैलोरी, प्लस यहां हमारे पास जो हीट है डेल्टा क्यू वो कितनी थी 200 कैलोरी, और कार्य यहां पर कितना है वो हम ज्ञात करेंगे बी से सी का, तो बी से सी तक का पूरा हमको एरिया निकालना पड़ेगा, उस एरिया को अपन यहां घटा देंगे और उसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर है वो डेफिनेटली है, वो फर्स्ट है, वो आ जाएगा। कार्य आप निकाल लो इसमें कितना, ये हो गया आपका प्रेशर, मान लो कितना पी वन है, यहाँ प्रेशर मान लो कौन सा प्रेशर आपका पी टू हो गया, यहाँ वॉल्यूम कितना वी वन और वी टू, तो वी टू माइनस वी वन इंटू पी टू माइनस वी वन, वैल्यू रखो आंसर आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे मिल जाएगा आंसर। बाई मेटलिक स्ट्रिप में ये है दो मेटल हैं, दो मेटल से बनी एक स्ट्रिप है ऐसे, इसको अपन यहाँ से गर्म कर रहे हैं, और मान लो ये एक्सपेंड हो गई इस तरह से एक्सपेंड हो गई, तो जो बाहर की तरफ होती है उसका एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ है, इसलिए डेफिनेटली इसका आयतन प्रसार गुणांक ज़्यादा होगा, या जो भी प्रसार गुणांक है वो ज़्यादा होता है, जो बाहर की तरफ अधिक बाहर की तरफ जो मेटल होती है उसका हमेशा प्रसार ज़्यादा होता है, तो चाप के रूप में मुड़ जाएगी, और अधिक प्रसार होने वाली धातु कैसी बाहर की तरफ बनती है। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखो, एक अल्लाह हमारे पास एक इलिप्टिकल दे रखा है, साइक्लिक प्रोसेस, और साइकिल कैसा है देखो एंटी क्लॉकवाइज, कोई वैसे इश्यू नहीं है। आप मान लो अपन यहाँ से देखें इसको अच्छे से, तो अगर मान लो पहले इसको अपन यहाँ से यहाँ देखें तो इसका कार्य ये वाला है, और देखो कैसा ही एक्सपेंशन है,
तो W जो 1 है वो कैसा एक्सपेंशन का कैसा पॉजिटिव है, फिर अपन यहां से यहां आएंगे तो कार्य W2 है, ये कार्य कौन सा W2 है जो कि कंप्रेशन का है, नेगेटिव है। बाद वाला एरिया कैसा है, ज्यादा देखो कंप्रेशन का एरिया ज्यादा है, नेगेटिव वर्कडन ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो नेट वर्कडन कैसा नेगेटिव आएगा, ये तो बात पक्की हो गई। अब कितना होगा वो इस साइकिल के एरिया के बराबर, तो इलिप्स का एरिया कितना होता है, इलिप्स का एरिया होता है W, क्योंकि कार्य नेगेटिव आ चुका है तो वो तो ठीक है, और वह पाई इंटू कितना R1 इंटू R2, तो माइनस का पाई, R1 रेडियस है तो इसकी रेडियस कितनी है, यहां रेडियस कितनी है V2 माइनस V1 बाई 2, V2 माइनस का V1 बाई 2, और यहां कितनी है P2 माइनस, ये डिफरेंस कितना पूरा P2 माइनस का P1 है, और इसका रेडियस मतलब ये इसका हाफ, तो ये हो गया आपका P2 माइनस का P1 और इसका हाफ, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 कितना 4, तो पाई बाई माइनस पाई बाई 4 P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस P1, इसका आंसर आपका चला जाएगा सही। नेक्स्ट ये VT ग्राफ दे रखा है और ग्राफ कैसा सरल रेखीय है, तो अपन जानते हैं VT ग्राफ में P कांस्टेंट है, तो आदर्श के समीकरण के अनुसार P इक्वल टू होता है कितना μRT, तो इसमें V अपॉन T का मान कितना हमारे पास आ गया μR बाई P। अब VT ग्राफ का स्लोप, इसका स्लोप पर निकालते हैं M जो कि tan थीटा के बराबर होता है, और वो जस्ट है कितना V बाई T होता है, और V बाई T का मान हमारे पास कितना आया μR अपॉन P आ गया। अब यहां से अब देखो μR तो कांस्टेंट है, tan थीटा जो है ना, ध्यान दो आप कि tan थीटा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/P के है, इसका P ज्यादा उसका स्लोप कम है, और यहां एंगल आपको दिख रहे हैं P1 का थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो, तो आप देखो थीटा 1 जो है जिसका P1 का थीटा 1 है उसका वैल्यू कैसा कम है, थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 1 किस पे प्रेशर P1 पर है, कौन सा P2 पर है, तो आप देखो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका स्लोप कम है, कम स्लोप वाले का प्रेशर ज्यादा है, तो कम स्लोप किसका है P1 का, तो P1 का वह वैल्यू जो है P2 से ज्यादा आ जाएगा। ये तरीका बेस्ट होता है, दिखने से आंसर आते हैं। यहां सिंपल देखो कि P जो प्रपोज टू 1/tan थीटा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम है, स्लोप किसका बड़ा है P2 का, P2 वाले का स्लोप अधिक है तो प्रेशर कम है, तो P2 का मान P1 से कम आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, यहां ग्राफ को हमने कन्वर्ट करना है, इससे ग्राफ आपको चेंज करना है, तो ग्राफ इससे नए बनाने हो तो ग्राफ को कैसे बनाते हैं, देखो ये ग्राफ POT दे रखा है, पूछा कैसा VOT का ग्राफ पूछा है, VOT ग्राफ पूछा है, तो सबसे पहले देखो इसमें एब्सेंट कौन है, यहां एब्सेंट कौन है प्रेशर, तो एब्सेंट जो है क्या उसका कांस्टेंट ग्राफ इसमें है क्या, तो POT ग्राफ देखो, इसमें POT वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहां तो वॉल्यूम देखो POT में ग्राफ, ये यहां 3 ग्राफ है, AB में T कांस्टेंट है, BC में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और CD में कौन सा, फिर T कांस्टेंट है, तो एब्सेंट तो क्वांटिटी मिली नहीं, तो ये तरीका होता है कि इनमें एब्सेंट है उसको चेक करो पहले, क्या उसमें कांस्टेंट है क्या, नहीं मिली तो फिर देखो कॉमन कौन सी आ रही है, तो कॉमन में PV और TV में T कॉमन आ रही है, तो T के देखो 2 ग्राफ इसमें कांस्टेंट है, तो 2 ग्राफ कौन से इस तरह के बन जाएंगे, 2 ग्राफ बन गए। अच्छा जी, फिर आप देखो कॉमन में A कौन सा है, B से सी वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट ग्राफ कौन सा ये बनेगा, और कौन सा है B से C, तो B से C तो T बढ़ रहा ना, तो ये आपका B पॉइंट हो गया, ये आपका C हो गया, ये तो फिक्स हो गया B से C, तो यहाँ सब में B से C, ये तो गलत हो गया, B से C ठीक चल रहा है अभी तक, B से C ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, ये तो सही है साहब, तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी हो सकता है, ये आपका रॉन्ग हो चुका है। अब देखो किसी एक ग्राफ को चेक कर लो, ग्राफ इस पर आ जाओ, ये C से D प्रेशर कम हो रहा है, ताप तो नियत है, प्रेशर कम हो रहा है, C से D देखो आप, C से D, T तो कैसा है कांस्टेंट है, और प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, यहां पर T तो चलो यहां पर कैसा कांस्टेंट है, और यहां वॉल्यूम की बात आ रही, ग्राफ आप चेक करें यहां पर, तो ग्राफ तो T कांस्टेंट है, तो ग्राफ तो निश्चित रूप से ग्राफ या तो बनेगा ग्राफ ऊपर की तरफ, या ग्राफ बनेगा आपका नीचे, इसमें से कोई सा एक बनेगा, C से D तक का, या तो C से D ये बनेगा, या C से D कौन सा ये बनेगा, अब इसमें चेक करना है कि कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है, और कंडीशन क्या है C से D, देखो C से D है वो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो देखो यहां पर इस वाली कहानी में T तो यहां पर है कांस्टेंट, वॉल्यूम यहां बढ़ रहा है, तो
तो कांस्टेंट टी पर हम जानते हैं पी प्रोपोर्शनल टू होता है 1/v। देखो साहब साहब यहां वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने पे प्रेशर आपका घटता है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने पे प्रेशर घटता है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने पे प्रेशर घट रहा है, तो ये हो गया ना। अब अगर ये है तो डेफिनेटली है यहां पर उसकी नेचर सेम ही है, दोनों ही सेम तरीके से घट ही रहे हैं, घट रही रहे हैं, तो ये भी इसमें इसी नेचर का आपका ग्राफ बन जाएगा। तो डेफिनेटली इस तरह का ग्राफ कोई सा जो है वो आप इसमें सही कर सकते हो, तो ये आंसर इसका ए से बी और सी से डी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक नियत आयतन गैस ताप मापी है कोई, उसमें 0 डिग्री पर 100 पे प्रेशर दे रखी है अपने इतने और इतने, तो इस दाब पे कितना है। ये तो बहुत अच्छा सा मेरा एक तरीका होता है सॉल्व करने का, जो ताप दे रखे हैं अपने को ग्राफ पर बनाते हैं, ग्राफ इसका आता है स्ट्रेट लाइन और स्लोप इसका होता है कांस्टेंट, तो इसको अपन स्लोप के बेस पे कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, मान लो ये ग्राफ मैं बता दूंगी इसमें टेम्परेचर में और प्रेशर में, और जो डाटा दे रखे हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन बदल लो आप। देखो 0 डिग्री पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको दे रखा है पारे का दाब कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 सेंटीमीटर और कितना, 90 सेंटीमीटर। पूछा किस पर है, तो 50 और 90 तो 60 कब होगा, 60 कब होगा उसका टी अपन ने पूछ लिया। तो जितने ताप दे रखे हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर लो, वो दाब है वो भी एक अरेंज कर लो ऑर्डर में, उसका जो नॉन है सो जो आपको फाइंड करना है वो टी है। तो स्लोप कांस्टेंट है, इसका तरीका होता है फिक्स क्या कि दिस माइनस दिस, इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस का अनुपात, यानी टी माइनस का जीरो, टी माइनस का जीरो अपॉन कितना, 100 माइनस 0 100 इज इक्वल टू जो डिफरेंस अपन ने अनुपात के रूप में यहां लिखा वैसे यहां, तो 60 माइनस 50 कितना हुआ 10, बटा 90 माइनस 50 कितना 40, इसको उड़ा दो इससे, तो हमारे पास टी कितना आया, टी बराबर हो गया 100/4 25 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट इसका आंसर आपका आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, परिवर्तन के लिए मोनोएटमिक गैस के लिए पी और टी में संबंध दे रखा है, तो सी का मान कितना है, अभी मैंने बताया था इसको, ये P समानुपाती क्या दे रखा है अपने को, टी की पावर सी, या पी अपॉन टी की पावर सी लिख सकता हूँ ना, या ऐसे कर दूंगा इसको पी टी की पावर माइनस का सी बराबर कांस्टेंट। उसके बाद उसी इक्वेशन से कंपेयर करना, इसका आंसर निकाल लेना किससे, हमारे पास था इक्वेशन कौन सा, पी और 1 माइनस गामा और टी, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपको पी चाहिए 1, तो इसमें कर दो 1 माइनस गामा से और इससे डिवाइड, तो हमारे पास पी इंटू टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू पुट करके माइनस से तुलना कर दो, आराम से इसका आंसर भागते वक्त आ जाएगा, कर देना बेटे। आदर्श गैस की रुदर्शन प्रसार में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी का मान, तो पी वी इज इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो पी समानुपाती वी की पावर कितना, इस नीचे ला गया माइनस गामा हो गया, अपन लिखें इसको डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, गामा डेल्टा वी अपॉन वी। बेसिक क्वेश्चन है, दाब और आयतन ग्राफ दे रखें, जिसका स्लोप ज्यादा है वो कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, जिसका स्लोप कम है कौन सा आइसोथर्मल, तो ए तो कौन सा आइसोथर्मल, बी कौन सा एडियाबेटिक, ए तो है समतापी, बी कौन सा रुदोषम। हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है आपको पता करना है, परम शून्य ताप शून्य ऊर्जा ताप नहीं होता है, परम शून्य ताप शून्य ऊर्जा ताप नहीं होता है, समान ताप, अच्छा तो सही बात है नहीं, क्योंकि परम शून्य ताप पर केवल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होती है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बाकी इंटरनल एनर्जी के रूप में एनर्जी रख सकता है, तो ये एक शून्य ऊर्जा ताप नहीं कहलाता है, सारे प्रकार की ऊर्जाएं इसमें खत्म नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट, बाकी सब कैसे गलत है। समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग समान होते हैं, तो वी आर एम एस का वैल्यू होता क्या है, आप जानते हैं 3 RT/m0 या 3 KT/m जो होता है, तो m0 तो गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ताप तो बराबर कर दिए पर गैस की प्रकृति डिपेंड करेगी इस पे, तो यहां गैस अलग अलग होने पे उसका वी आर एम एस भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखो वैसा ही आ गया क्वेश्चन, 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम पानी, 0 डिग्री पर 100 ग्राम बर्फ, द्रव्यमान बराबर है, 0 की आइस है, मिला देंगे ताप कितना 20 डिग्री में का था 80 डिग्री सेल्सियस या उससे छोटा है,
तो ताप हमेशा कितना मिश्रण का 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट देखो, आदर्श गैस के लिए ग्राफ दे रखा है अपने को पी और टी में, और मूल बिंदु से निकलने वाला है, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूम के कांस्टेंट होने पर डेल्टा वी कितना 0, तो डब्ल्यू कितना होता है पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी के 0 होने से, डेल्टा वी के 0 होने से कार्य भी कितना शून्य हो जाएगा, तो डब्ल्यू का मान यहां पर कितना शून्य बनेगा। किस प्रक्रम के लिए पीवी वक्र आयतन अक्ष के लंबवत रेखा होगी, ये पी और कौन सा वी ग्राफ कौन सा, ये वाला आयतन अक्ष के, आयतन अक्ष के लंबवत रेखा, आयतन के अक्ष, तो वी आइसोमेट्रिक समायतनिक प्रक्रम बन जाएगा। यदि किसी गैस के लिए आर अपॉन सीवी का मान इतना है, देखो आर अपॉन सीवी इज इक्वल टू है 0.67 यानी 2/3, तो इससे अपन आर सीवी का मान निकालते हैं तो कितना 3/2 आर, तो आप जानते हैं एफ आर बाई टू, तो एफ का मान आर बाई टू से कैंसिल, एफ कितना 3 आ गया, तो 3 किसका होता है मोनोएटमिक गैस के लिए, एकल परमाणु गैस मोनोएटमिक गैस आ जाएगी। एक कार्नो इंजन यहां से इस ताप के बीच कार्य कर, यदि प्रत्येक चक्कर में इंजन 200 जूल हीट है वो निष्कासित करता है यानी बाहर निकालता है, तब पर साइकिल इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी है, तो Q1 का मान आपसे पूछा है, Q2 जो है उसको आपको दे रखा है, तो पूछा क्या दे रखा अपने को, Q1 वो दे रखा है कितना हमारे पास है Q2, तो ये कितना ओनली T1/T2 खत्म कहानी, बताते मैंने आपको, तो Q1 हमसे पूछा है, Q1 का वैल्यू कितना है T1/T2 × Q2, T1 कम ताप कौन सा, T1 ज्यादा ताप अधिक ताप, तो 300 + 273 600 केल्विन हो गया क्या, अपॉन ये कितना हो गया 300 केल्विन इंटू Q1 कितना है 200, तो 400 कैलोरी इसका आंसर है वो आ जाएगा। नियत ताप के प्रभाव में एक आदर्श गैस के लिए P और 1/V का ग्राफ, नियत ताप पर पी वी कुल्टू होता है कांस्टेंट, या P समानुपाती कितना 1/V, ग्राफ पूछा है P का और 1/V का, इसको मान लिया Y और इसको मान लिया X, तो Y समानुपाती X आ गया, ग्राफ कौन सा बन गया सरल रेखा, तो स्लोप कौन सी पॉजिटिव वाली, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाली इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी, यहां देखो ग्राफ में क्वेश्चन पूछा है, तो आप जानते हैं ग्राफ में जो कार्य होता है ना वॉल्यूम एक्सिस और जो सर्कल या ग्राफ दे रखा है उसके बेस पे होता है। यदि मैं वॉल्यूम को यहां देखता हूं, तो यहां से अपन यहां जा रहे हैं, ये एक्सपेंशन है, कार्य कौन सा ये वाला है, इसको मान लें W1, फिर अपन आ रहे हैं कंप्रेशन में, तो कार्य कौन सा ये वाला है W डैश, मान लो W डैश नेगेटिव है पर ज्यादा है, तो नेट कार्य कैसा नेगेटिव आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखो, नियत ताप पर, ताप टी पर H2 गैस के N मोलों को पूर्णतः आपने वियोजित कर दिया, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आवश्यक जो ऊष्मा है यहाँ पर नियत ताप पर डेल्टा क्यू, वो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आएगी E2 - E1 के बराबर। अब देखो गैस क्या, पहले तो टी ताप पर H2 गैस है, तो ध्यान करें इसमें H2 गैस ताप टी है, उसके मान लो उसको जो मोल है उसको मान लो एन मोल दे रखे हैं अपने को, फिर कौन सी इसको तोड़ने के बाद तो होगी 2H डाइएटोमिक गैस बन चुकी है, तो पहले कौन सी है डाइएटोमिक गैस, और अब ये बन गई 2H जिसके मोल भी कितने हो चुके हैं 2N और बन गई है मोनो एटोमिक गैस। ध्यान करें H2 से 2H बनती, N मोल से 2N बन गया, और गैस की प्रकृति बदल चुकी है, कौन सी डाइएटोमिक से बन गई है मोनो एटोमिक गैस। अब ये आंतरिक ऊर्जाएं हैं, तो E2 कितना दे कर दूं म्यू बाद के मोल म्यू डैश इंटू CV डैश इंटू ताप का परिवर्तन है, तो ये CV डैश इंटू टी है माइनस कितना म्यू इंटू CVT, तो म्यू डैश तो कर दूं 2 मोल, तो 2N कर दिया साहब, CV डैश FR/2 होती है, F कितनी F डैश, तो कौन सी गैस बन चुकी है मोनो एटॉमिक गैस, तो आप जानते हैं CV का वैल्यू होता है FR/2, तो ये हो गया देखो 3R/2 × T माइनस का, और म्यू तो आपका कौन सा एन ही है CV, ये है 5/2R × T, इसको सोल्व कर दें, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 ये तो है 3NRT और माइनस कितना 5/2N 2.5, ये आपका NRT, 3 में से 2.5 घटाओ कितना बना 0.5 यानी 1/2, तो NRT/2 इसका आंसर आपका चला जाएगा। ओके, तो बहुत शानदार पेपर रहा होगा आपका, इजी पेपर भी था, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, सारा प्रकार का मिश्रण हुआ होगा, तो अच्छे से करें आप, नीट को बहुत शानदार से दें,
आप अपने अपने परिवार और अपनी सीएलसी है उसके उम्मीदों पे खरे उतरें, बहुत अच्छा करें, शानदार करें। ओके, थैंक यू। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।